तो हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने नए चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से ही। तो आज इस वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप घर बैठकर ही अपने मोबाइल फोन से अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में कौन सा फोन नंबर लगा है। तो आप लोग ये जानने के लिए वीडियो पूरा अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन भी मैंने लगा रखा है। तो मैं स्क्रीन पे ही आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन पे अपने मोबाइल फोन से अपने आधार कार्ड का मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है अपना गूगल, क्योंकि हमें पहले चेक करना होगा कि हमारे मोबाइल नंबर कौन सा लगा है आधार कार्ड पे। तो वो चेक करने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है UIDAI। यह है आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट, जहां पे कि आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा आधार कार्ड का, जहां से कि आप आधार कार्ड का कोई भी काम कर सकते हैं या फिर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज दे रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको इंग्लिश यहाँ पे करना है, क्योंकि आप इंग्लिश करो या फिर हिंदी करो, जो आप पढ़ पाए, जो आप इजीली समझ पाए। तो सिंपली आपको ये ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल रखा है। तो आपको यहाँ पे जो नीचे दिखा रहा है चेक आधार अपडेट स्टेटस, तो आपको सिंपली उस पर भी क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे आता है, जहाँ दिखा रहा है वेलकम टू माई आधार। तो आपको यहाँ पे लॉग इन करने के लिए भी दे रहा है, आप चाहे तो इसमें लॉग इन करके आप अपने आधार कार्ड की एक्टिविटी जान सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल नंबर चेक करना है तो मोबाइल नंबर यहाँ से चेक नहीं होता है। तो सिंपली आप इसको नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए दे रखा है, तो आप लोग भी अपना अपडेट करा लीजिएगा जिसका इस तरह से रेट दिखा रहा होगा। तो ऐसे अपडेट करने के बाद आपको तुरंत नीचे आना था यहाँ पे, तो यहाँ पे देख के लिखा है वेरीफाई मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए, लेकिन आपको वहां पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना थोड़ा सा नीचे आना है स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है चेक आधार वैलिडिटी, क्लिक है वैलिडिटी द स्टेटस ऑफ द आधार। तो आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मांगता है आपका आधार कार्ड नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को फिल करना है। चलिए मैं अपने आधार कार्ड को फिल कर लेता हूँ, नीचे कैप्चा डाल के मैं सबमिट करूंगा यहाँ से। तो आपको अपना कैप्चा डालने के बाद नीचे क्लिक करना है प्रोसीड पे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आधार कार्ड का स्टेटस होगा, जिस पे मोबाइल नंबर आपने लगा रखा होगा, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे देखिए अपना एज भी दिखा रहा है कि आपका ये आधार कार्ड कब तक वैलिडिटी है इसका, 20 से 30 साल तक इसका वैलिडिटी है। और जो जेंडर है वो मेल दिखा रहा है, मेरा आधार कार्ड ऊपर दिखा रहा है। और नीचे देख सकते हैं मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर कौन सा लगा है वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो लास्ट का 3 डिजिट दिखाता है कि इसमें कौन सा फोन नंबर लगा है, आप उस नंबर से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा फोन नंबर लगा है। आपके पास अगर पहले से होगा तो आपको पता होगा कि मेरे किस फोन नंबर पे लास्ट में इतने नंबर थे। तो यहाँ पे आपको चेक करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है, क्योंकि मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है, जहां से कि आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये चीज कहा था कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, तो लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा के। आपको अपने प्ले स्टोर पे सर्च करना है पोस्ट इन्फो। तो जैसे आप पोस्ट इन्फो पे सर्च करते हैं तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा, तो आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आपका आधार कार्ड का नंबर यहीं से चेंज अपडेट होने वाला है। तो आप इस वीडियो पूरा अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, तो थोड़ा सा मिस करेंगे तो आपको दिक्कतें आने लगेगी बाद में आके। तो ये एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं थोड़ा सा डाउनलोड करने के बाद। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट करके एक नाम दिखा रहा है आपका, और उस पर जैसे ही आपको क्लिक करना है थोड़ी देर बाद, आपको यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, वहां पे आपको परमिशन को देना है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलता है, इंडिया पोस्ट वाला जो एप्लीकेशन है। इस तरीके से इंटरफेस खुलने के बाद आपको सबसे पहले दिखा रहा होगा यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट, आपको सबसे ऊपर ही क्लिक करना है सर्विस रिक्वेस्ट पे। जैसे ही आप इसको क्लिक करके ओपन करते हैं, उसके बाद आपके पास एक साइड खुलता है जहाँ पे लिखा है सर्विस रिक्वेस्ट चेक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट। तो आपको नीचे आना थोड़ा सा, और यहाँ पे एक आपको फॉर्म दे रहा है फिल करने के लिए, तो आप उसको फिल कर लीजिए। यहाँ पे पड़ेगा आपका नाम जो आधार कार्ड पे है, आधार कार्ड के बैक साइड पे आप लोग देखेंगे तो आपका एक एड्रेस भी दिया रखा होगा, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और सर्विस पे आपको क्लिक करना है। तो सर्विस पे आपको दिखाएगा यहाँ पे लास्ट में जब देखेंगे यहाँ पे तो IPPB आधार सर्विस, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है ये आधार सर्विस। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक कैटेगरी देगा आपको कि आपको क्या करना है,
और आप 5 साल से नीचे अगर आपका कोई भी बच्चा है तो आप उसका आधार कार्ड बनवा सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा वहाँ पे। मोबाइल अपडेट करने के लिए देखिए आप लिखा है UIDAI मोबाइल ईमेल टू आधार लिंक अपडेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए मैं फॉर्म को फिल करता हूँ, आपको इसके आगे दिखाता हूँ। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पे करना है रिक्वेस्ट OTP। तो जैसे आप रिक्वेस्ट OTP के आप पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है जो आपने फोन नंबर यहाँ पे डाल रखा है, तो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको यहाँ पे अपना OTP डाल के रिक्वेस्ट कंफर्म करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो हम देखिए आपका रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट हो चुका है और नीचे आपका एक आ गया है क्यू बन के रिक्वेस्ट रेफरल नंबर, तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है, क्योंकि जब भी अगर इंडिया पोस्ट से कोई भी एजेंट आपके घर पे आएगा 3 नंबर आपको डालना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ से अपना ट्रैक भी कर सकते हैं अपना ऑर्डर, तो आप चाहे तो इसको एक कॉपी कर लीजिए और या फिर उसको एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि जब भी इसका एजेंट आता है कोई भी, तो यहाँ पे जब आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है तो एक एजेंट आता है आपके घर पे आपका मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, तो घर पे ही आके अपडेट करके चला जाएगा, आपसे सिर्फ 50 रुपए चार्ज करेगा उस चीज का। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो आपके नीचे भी एक क्यू बना था रेफरेंस नंबर जो आया था, आप उसको यहाँ पे डाल के फैक्स जैसे ही करेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा, आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पे, स्टेटस क्या है, पेंडिंग है क्या है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाएगा आपको। आप पहले इसको अपने साइट को डेस्कटॉप साइट पे ले जाइए और यहाँ पे देखते हैं मैंने रिक्वेस्ट किस चीज के लिए डाल रखा है, यहाँ पे सर्विस क्या है, डेट मैंने किस डेट में करा है, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से ही आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं अपने आधार कार्ड पे। तो ये वीडियो में और आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन कुछ लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, ताकि मेरे एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। जय हिंद जय भारत।